details contact 1-800-300-26072. नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त, आपकी आवाज बनकर बेखौफ आजाद आवाज। पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को मंजूरी दे दी है। पहले सीएबी, फिर सीएए, फिर एनआरसी और अब एनपीआर, काफ़ी कंफ्यूजन है। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो हर 10 साल में बनाया जाता है और बनाया जाता रहा है। इसका काम जनगणना के लिए भी होता है, जनगणना यानी सेंसस यानी मर्दमशुमारी। एनपीआर को अपडेट करने के लिए सरकार ने 3,941 करोड़ का बजट और 2021 की जनगणना के लिए, सेंसस के लिए, मर्दमशुमारी के लिए 8,754 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है, आज ही किया है। 2021 की जनगणना से पहले एनपीआर को अपडेट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनपीआर के लिए किसी कागजात की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए किसी बायोमेट्रिक डेटा की भी ज़रूरत नहीं होगी। जावड़ेकर ने यह भी बताया कि इस बार इसके लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा। एनपीआर को अपडेट करने वाला काम अगले साल अप्रैल से सितंबर के बीच किया जाएगा। सुनते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है। फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं सुरूर मंदर, आप वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, आप एडिटर इन चीफ स्वराज एक्सप्रेस है। आप दोनों का स्वागत और समय देने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है, पहले आपसे मैं सुरूर पूछना चाहूँगा कि जावड़ेकर साहब तो कह रहे हैं कि किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि 21 एडिशनल अतिरिक्त सूचनाओं की ज़रूरत होगी। ठीक है, लोग आपके घर आएंगे, एन्यूमरेटर्स आएंगे वगैरह, लेकिन 21 सूचनाओं की ज़रूरत होगी, और जिनमें से ज़्यादातर सूचनाएं नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप के लिए ज़रूरी हैं। जावड़ेकर साहब गलत बयानी कर रहे हैं या अज्ञानतावश ऐसा कह रहे हैं? नहीं, सच तो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 2003 का जो सिटीजनशिप रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपका एनआरसी का डेटा आपके पॉपुलेशन रजिस्टर से वेरीफाई होगा। तो जब ये कह रहे हैं तो जो 21 और चीज़ें वो मांग रहे हैं उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, आपका पैन कार्ड डिटेल मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं? अगर उन्हें सिटीजन्स पे इतना विश्वास है तो क्यों मांग रहे हैं? दूसरा सवाल ये भी नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई इसको देना नहीं चाहेगा तो क्या होगा, क्योंकि सेंसस डेटा वॉलेंट्री है पर ऑल्सो कॉन्फिडेंशियल है। कोई आपके घर में ये वापस आके आपसे नहीं पूछ सकता, आपसे कभी नाम नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है और वो कहीं कलेक्ट होके एक इन्यूमरेशन बनता है, स्टेटिस्टिक्स आते हैं उसके। पर एनपीआर तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो व्हाट इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी शेयरिंग ऑल ऑफ दिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन। गुरदीप, मुझे बताइए, जो सुरूर ने भी कहा कि एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास निकाला है इन्होंने, और जो जावड़ेकर साहब कह रहे हैं, इसमें शब्दजाल कितना है, कन्फ्यूजन कितनी है, आप सिफ्ट कीजिए इसे। नहीं, शब्दजाल नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उनकी इस समय हर कदम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एनपीआर और जनगणना में फ़र्क क्या, पहले ये समझने की ज़रूरत है। जनगणना में भी बहुत सारी जानकारी ली जाती है, जनगणना में तो जितनी 21
21 नहीं, कुल मिलाकर 21 हेडमैन जानकारी अब ली जाएगी। पहले 15 हेडमैन ली जाती थी। जनगणना में इससे बहुत ज़्यादा जानकारी ली जाती है, लेकिन जनगणना में वो जानकारी के साथ नाम नहीं होता, तो ये नहीं पता होता कि किस व्यक्ति का क्या काम है, किस व्यक्ति की क्या कास्ट है, कौन सा व्यक्ति किस गांव में रह रहा है। एनपीआर में ये पता लगाना होता है कि जो जनगणना में डाटा आ रहा है वो किस व्यक्ति का है, वो कहाँ रह रहा है, पहली बात। इसलिए एनपीआर की ज़रूरत पड़ी थी। ये बहस पुरानी चल रही है कि एनपीआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एनपीआर की बहस आई क्यों, इसलिए आई 2010 के अंदर यूपीए के टाइम पे ये पहली बार आया, और तब आधार हो या एनपीआर हो ये लड़ाई चल रही थी, और जीत आधार की हुई उस समय कि आधार होना चाहिए। एनपीआर बना लेकिन आधार होना चाहिए। अब आधार तो सबके पास हो गया, ये सरकार ये चाह रही है कि एनपीआर दोबारा बने, लेकिन इसमें पर्सनल नाम वगैरह तो लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इस बार माता पिता का नाम के अलावा जन्मतिथि जन्म स्थान ये भी पूछा जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि जन्मतिथि और जन्म स्थान जो नहीं बता पाएगा जी, वो तो रिकॉर्ड में चला गया। खतरा ये है कि कल जब एनआरसी की बात आई, अभी गवर्नमेंट ने यह तो नहीं कहा कि एनआरसी कभी नहीं बनेगा, वो तो एक्ट में है 2003 के, उस एक्ट को रिपील तो नहीं किया। तो जब कल एनआरसी की बात आएगी तो जिन जिन लोगों ने अपने माता पिता का जन्मतिथि और जन्म स्थान ठीक से नहीं दिया है, क्या उनसे वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जिसकी बात को लेकर इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, लोगों को ये विश्वास नहीं है जी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसी राज्य ने एनपीआर, किसी भी राज्य ने एनपीआर की मुखालफत नहीं की है। प्रकाश जावड़ेकर और अमित शाह ने भी कहा है कि एनपीआर और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है, जबकि हमारे मेहमान कुछ और कह रहे हैं। लेकिन केरल सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने अपने राज्यों में एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के जरिए जनगणना के काम को अपडेट करने का काम रोक दिया है। इन राज्यों का कहना है कि एनपीआर एनआरसी की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम साबित हो सकता है, यानी कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, कान ही पकड़ा जा रहा है। जिन राज्यों ने एनआरसी का विरोध किया है उनके मुख्यमंत्रियों से सीपीएम ने गुजारिश की है कि वो एनपीआर पर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर काम रोक दें। बीजेपी का दावा है कि एनपीआर एनआरसी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वेबसाइट द स्क्रोल की रिपोर्ट सरकार के इस दावे पर सवाल खड़ा करती है। रिपोर्ट बताती है कि एनपीआर का सीधा संबंध ऑल इंडिया एनआरसी के प्लान से है, यानी एनपीआर का डेटा एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्या इस बात का भरोसा किया जाए? सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में येचुरी ने कहा है कि आखिर मोदी सरकार कितना झूठ बोलेगी और कितने लोगों को गुमराह करेगी। येचुरी के ट्वीट के मुताबिक 23 जुलाई 2014 को राज्यसभा में दिए गए एक जवाब में किरण रिजिजू ने कहा था कि एनपीआर में हासिल जानकारी ही एनआरसी की बुनियाद होगी। सुनते हैं उधर अमित शाह ने क्या कहा है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर किए जाते हैं। एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है। गुरदीप, मैं आपसे पहले पूछूंगा, जैसे अमित शाह कह रहे हैं, क्या एनपीआर और एनसीआर का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है? अगर टेक्निकली देखिए तो सीधे सीधे दो अलग चीज़ें हैं, एक जनसंख्या के बारे में है, एक नागरिकता के बारे में। लेकिन खुद सरकार ने राज्यसभा में जुलाई 14 में जवाब में बोला कि जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी बनेगा कैसे, कि जो जानकारी एनपीआर में इकट्ठा होगी उस जानकारी को हम वेरीफाई करेंगे, और जो वेरीफाई हो जाएगा यानी उसमें जो जिस व्यक्ति का नाम एनपीआर में आ गया वो अपने सबूत दे देगा तो वो नागरिकता के रजिस्टर में आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर समझ है सरकार के अंदर, बार बार संसद में सरकार के डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगातार ये बात कही गई है कि एनपीआर में जानकारी को हम वेरीफाई करेंगे और उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को जो पास कर लेगा वो नागरिक होगा। अब सरकार ये करेगी या नहीं करेगी
ये सरकार का फैसला है, लेकिन लिंकेज यही है कि एनपीआर की जानकारी वेरिफिकेशन के बाद, अब एक बात और कहूंगा कि दोनों फर्क क्या है, वही जानकारी जब बिना डॉक्यूमेंट के मांगी जाएगी मौखिक आधार पे वो एनपीआर है, और वही जानकारी जब डॉक्यूमेंट के आधार पे प्रूफ की तरह देखी जाएगी तो वो एनआरसी है। जी आप बताएं सुरूर, आप क्या कहती हैं इस मामले में? सर देखिए, अमित शाह जो बोल रहे हैं जी, हमें तो लगता है कि सीधा साधा सवाल यहाँ विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, भरोसे का है, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए सर, भरोसा तो है ही, सवाल तो भरोसे का भी है, पर आपको इसको अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा जिसमें आप डिटेल्स फर्निश कीजिए, उसके ज़्यादातर प्रावधान वही, सवाल वही होंगे जो एनआरसी में दिए जाएंगे। मैं सर से यहाँ डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि सिटीजनशिप रूल्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि एनपीआर क्रिएट होगा, वो भी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एनआरसी भी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट होगा। अब आप इसको जोड़िए सीएए के साथ, तो अगर ये कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए बाकी धर्म, मुसलमानों को छोड़ के बाकी धर्म हैं, तो अब ये डिस्क्रिशनरी हो जाएगा एनपीआर के बाद कि मैं किससे वेरिफिकेशन मांगूं। और अब आएगा सवाल कि एनआरसी फिर लागू किस पे होगा? सिर्फ मुसलमानों पे, कि वो प्रूव करें अपनी सिटीजनशिप, क्योंकि मैंने एनपीआर को वैलिड मानना है कि नहीं मानना, अब मेरी डिस्क्रिशन पे है। और एनआरसी का सवाल तो ये असम से ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि असम में हर नागरिक लाइन में खड़ा था, दुविधा में था, और हर नागरिक दुखी था, और अंत में अब सवाल ये है कि क्या वो इसको निकाल के लोगों के साथ करेंगे। तो देयर इज अ कोरिलेशन, इट इज नॉट सेपरेट। एक बात और समझने की जरूरत है कि असम में एनपीआर क्यों नहीं बना रहे हैं? जो नोटिफिकेशन हो रहा है उसमें ये आ रहा है कि असम में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ एनआरसी बन गया, तो जो जानकारी एनआरसी में आ गई वही एनपीआर में आनी है। तो सरकार तो खुद ये बात मान रही है इस प्रोसेस के तहत कि जानकारी तो वही है, लेकिन प्रोसेस दोनों लिंक्ड है। नहीं पर लिंक्ड एक में आप कह रहे हैं कि आप सेल्फ वॉलंटरी इंफॉर्मेशन दीजिए जिसको हम वेरीफाई एनआरसी के थ्रू करेंगे। एनआरसी के थ्रू आप क्या बन जाते हैं? आप नॉन सिटीजन बन जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं सर जोड़ना चाह रही थी कि ये सिटीजनशिप एक्ट जो 2004 की जो अमेंडमेंट और 2019 का जो अमेंडमेंट है, ये दो चीज़ें बिल्कुल देश के बच्चों पे वार करती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि अगर आपके पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट हैं तो आप खुद सिटीजन तो बन नहीं सकते, आपके बच्चे और उनके बच्चे भी कभी सिटीजनशिप नहीं पाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए माँ बाप की जानकारी, उनकी जन्मतिथि, उनका जन्म स्थान इसलिए मांगा गया है कि 2003 के अंदर जो बदलाव हो गया था नागरिकता कानून में, उसमें जो आपने बात बोली बिल्कुल वही है कि अगर एक पेरेंट भी इलीगल माइग्रेंट है तो उसकी नीचे की लाइन बिल्कुल वो नागरिक नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जावड़ेकर भले कह रहे हो कि एनपीआर के लिए किसी दस्तावेज और बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। इससे पहले सन 2010 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तब एनपीआर के लिए डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन मोदी सरकार एनपीआर में बदलाव लेकर आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले एनपीआर में लोगों को, जैसा गुरदीप भी बता रहे हैं और सुरूर भी बता रही हैं, कि एनपीआर में लोगों को अपने माता पिता के नाम के साथ साथ अब जन्म की तारीख और जगह भी बतानी होगी। इससे पहले वाले एनपीआर में लोगों से ये जानकारी नहीं मांगी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए एनपीआर में 21 पॉइंट्स के आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा। 2010 तक जो पिछला हुआ था एनपीआर 15 पॉइंट्स थे, अब 6 पॉइंट्स और जोड़ दिए गए हैं। उनमें, जैसे हमारे मेहमान पहले बोल चुके हैं, उनमें माता पिता के जन्म की जगह और तारीख, पैन नंबर, आधार कार्ड अगर मर्जी हो तो, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल नंबर भी शामिल है। 31 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें असम को छोड़कर सभी राज्यों को रूटीन में एनपीआर पर काम करने पर शुरू करने की बात कही गई थी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है शुरू, एनआरसी बैकफायर कर गया है, मैं एक वक्तव्य दे रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, आप सहमत हों ना हों, ठीक है? एनआरसी बैकफायर कर गया, जैसे पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन से जाहिर है। एनपीआर जो अभी तक एक रूटीन एक्सरसाइज रहा है, क्या इन अतिरिक्त 6 पॉइंट्स की वजह से विवाद के दायरे में आते दिखता है आपको?
सर मुझे लगता है बिल्कुल विवाद के दायरे में आपने कहा ये असम से भी आगे जाएगा, ये असम से भी आगे जाएगा। देखिए क्योंकि आप जो भी करेंगे इस सरकार देखिए सवाल आपने एक और जो पहले भी पूछा था अपने कमेंट में जो कह रहे थे कि ये 6 अतिरिक्त पॉइंट क्यों लाने की ज़रूरत पड़ गई, सवाल ये बहुत गहरा है क्योंकि अगर ये पॉइंट लाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर ये वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं झूठ भी बोल सकती हूँ और आप कह रहे हैं आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो फिर आप क्यों मांग रहे हैं मुझसे और अतिरिक्त सवाल एक ट्रायंगुलेशन प्रोसेस के लिए। और फंसेगा कौन, फंसेंगे गरीब लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कभी नहीं होता है, और महिलाएं फंसेंगी जो जिनका पहला डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो एज ऑफ मैरिज इंडिया में 18 से कम है, पहला जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनता है बहुत सारी गरीब औरतों का वो वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड बनता है, जिसके किसके साथ बनता है वो पति के नाम के साथ बनता है। तो आप अपनी लेगेसी कैसे प्रूफ करेंगी कि मेरे फादर कौन है, तो मेरा पूरा सिटीजनशिप अब मेरे उन पेरेंट्स के ऊपर आधारित है जिनके साथ मैं रिश्ता ही नहीं बता पाऊंगी जी। तो कौन डिक्लेयर होगा इलीगल, महिलाएं होंगी जी। बताइए विवाद के दायरे में कहां तक आने की उम्मीद है आपको, संक्षेप में जाऊंगा। बात इतनी थी है कि अगर एक प्रक्रिया 2011 में हुई जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, आप उसी को क्यों नहीं अपनाते, आपने अतिरिक्त जानकारी मांगी क्यों, जो सवाल यही है कि उसका कोई तो वजह है। यूं तो नहीं है कि किसी ने उठ के बोला कि चलो ये जानकारी भी ले लेते हैं, उस जानकारी का एक मकसद है, मकसद सिर्फ ये है कि कल जब उस जानकारी को आप वेरीफाई करने निकलेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स लोग नहीं दे पाएंगे तो उनकी नागरिकता खतरे में होगी। और जिस तरह से इस सरकार ने NRC की बात, अभी नहीं NRC की बात वाजपेयी सरकार से शुरू हुई थी और 2014 में इन लोगों ने NRC के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए थे और अब धीरे धीरे तैयारी करके अब वो जोर पकड़ी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये जानकारी के अलग मायने हैं। बहरहाल जल्दी से संक्षेप में दो चीज़ें मैं कहना चाह रही थी। एक के हम लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी पर, ये अगर वाजपेयी जी की सरकार बढ़ जाती 2004 में जीत जाते तो NRC तब भी लागू होता। दूसरा चीज़ ये कि सिटीजनशिप के दायरे में जब आप माइग्रेशन और ये NPR एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हैं कि लोग अर्बन माइग्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है विद द एबिलिटी टू बी एबल टू स्टॉप पीपल फ्रॉम माइग्रेटिंग जी। बहरहाल ये सवाल अभी कायम है कि जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, छात्र सड़कों पर उतरे हैं और अब पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, क्या NPR को लेकर भी इस तरह के विवाद खड़े होंगे। हमारी मेहमान सुरूर का मानना है कि असम से भी आगे जाएगा, हमारे दूसरे मेहमान भी कह रहे हैं कि एक अपने आप में ऐसा कदम है जो गैर ज़रूरी है, देखना बाकी है ये कहाँ तक जाता है। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव, हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी, बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल, कॉल 9165025500। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे, ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है। आज भी इस एक्ट के खिलाफ दिल्ली, कोची, विजयवाड़ा, त्रिवेंद्रम, कोलकाता, हुबली, डिब्रूगढ़ समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। जामिया के स्टूडेंट्स के साथ प्रदर्शनकारियों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दिल्ली में एक मार्च भी निकाला।
स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के मंडी हाउस में धारा 144 लागू कर दी गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ यंग इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन को देश की अलग अलग 63 यूनिवर्सिटीज़, एक कम नंबर नहीं है, 63 यूनिवर्सिटीज़ का समर्थन हासिल है। यंग इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल। गुरदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका असेसमेंट क्या कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ जारी ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएंगे? पहले तो हम ये समझें कि ये जो प्रदर्शन है ये इसके बावजूद जारी है जब प्रधानमंत्री ने खुले मंच से ये कह दिया कि NRC लागू करने का कोई विचार नहीं था, तो उसके बावजूद क्यों जारी है? ये इसलिए जारी हैं क्योंकि पहली, एक तो प्रदर्शन दो चीज़ों पे है, CAA यानी नागरिकता कानून, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने अभी कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है अभी। हाँ, तो एक, जब तक उसके बारे में कोई आश्वासन नहीं आता तब तक ये आंदोलन को जारी रखने की कोशिश होगी। दूसरी बात, जो NRC को लेकर भी बोली है बातें जी, वो इतना घुमा के बोली गई हैं कि जो सत्य है उसको दरकिनार कर कर, तथ्यों को दरकिनार करके ये कहा गया कि NRC की बात ही नहीं हो रही थी, जबकि लगातार डॉक्यूमेंट्स ये प्रूफ कर रहे हैं, लगातार स्पीचेस प्रूफ कर रही हैं, संसद के रिकॉर्ड नोटिफिकेशन प्रूफ कर रहे हैं कि वो तो हो रहा था। तो सरकार को आगे बढ़कर ये कहना पड़ेगा कि देखिए ये विचार था, अब हम नहीं कर रहे हैं और अब हम नहीं करेंगे जी, और CAA को भी हम नोटिफाई हो गया है, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उस पर पुनर्विचार करेंगे, या सरकार बोले या ये कोर्ट के माध्यम से ये फैसला आए, तब तक ये रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि CAA के बारे में प्रधानमंत्री अगर कुछ कहते हैं कि नोटिफाई नहीं करेंगे, तो पूरी जो उनकी थिंकिंग है कि हिंदू राष्ट्र धर्म के आधार पर राष्ट्र बन सकता है, उस पर ही चोट पहुंचती है। तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि CAA पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या उसके विरुद्ध कुछ बोलेंगे या आश्वासन देंगे कि दोबारा देखा जाएगा। बहरहाल, ममता बनर्जी ने एक बार फिर NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मार्च निकाला है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन में हुई जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवार से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरठ जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने दोनों नेताओं को मेरठ बॉर्डर पर ही रोक लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और BJP नेता कहना पड़ेगा चंद्र कुमार बोस ने भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया है। आपको याद दिला दें कि जब नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्णय किया गया था, तब पूरे बोस परिवार के साथ प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी, फोटोएं खिंचवाई थी। अब उन फाइलों से कुछ नहीं निकला तो चंद्र कुमार बोस भी नज़रअंदाज महसूस कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश किसी भी सूरत में NRC का समर्थन नहीं करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरा दूसरा सवाल, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा, समय कम है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका, सरकार NRC नहीं तो NPR के जरिए डेटा कलेक्ट करने की कोशिश में रहेगी, तो ये आमने सामने वाले हालात यूँ ही बने रहेंगे या सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? आपको भविष्य क्या दिख रहा है? इसमें दोनों पक्ष की अपनी अपनी जिम्मेदारी है जी। जो आंदोलन चला रहे हैं उनमें कोशिश ये हो रही है कि भाई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और जो ये तय करे कि आंदोलन की क्या डिमांड होगी और कहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से क्या हो रहा है? अभी सरकार की ओर से वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, गृहमंत्री ने आज बोला जी, दोनों के बोलने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि UP में क्या हो रहा है कि अगर एक व्यक्ति दीपक कबीर किसी को मिलने, जो कि कैद हैं NRC आंदोलन में, जेल में जाते हैं, तो उनको कहती है आप भी जेल में आ जाइए, आप पे भी FIR। जो लगातार UP में जिस तरह से पुलिस का रोल हो रहा है जो आंदोलनकारियों पे, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहा है। सरकार को एक कदम आगे आकर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भाई ठीक है जो हुआ, अब आगे का रास्ता ये है। इसमें एक बात और जोड़ूंगा मैं, डिटेंशन सेंटर की अभी आपने बात की, PM ने भी बोला कोई डिटेंशन सेंटर की बात नहीं हुई है देश में। लोकसभा में, राज्यसभा में जुलाई में सरकार ने सवाल के जवाब में बताया है कि उसने हर एक राज्य को एक मैनुअल भेजा है डिटेंशन सेंटर के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है कि डिटेंशन सेंटर ऐसे ऐसे बने और क्यों बने, कि इस प्रोसेस के बाद जिनकी नागरिकता प्रूव नहीं होगी उनको रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने होंगे। तो जब सरकार की ओर से ये बातों पर सफाई नहीं आएगी, तब तक कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा कि भाई अब बैठ के सुलह की जाए?
जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने लोग सिर्फ सड़कों पर नजर नहीं आ रहे बल्कि अलग अलग तरीकों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। IIT मद्रास के एक जर्मन स्टूडेंट जेकब ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। IIT मद्रास ने जेकब को वापस जाने को कहा है। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में की स्टूडेंट रहीबा अब्दुल रहीम ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया। केरल में लोग अपनी शादियों में दूल्हा दुल्हन समेत NRC और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं अपनी शादियों में। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने अपने कन्वोकेशन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ दी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। BHU के कई छात्रों ने अपने कन्वोकेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों के लिए प्रदर्शन किया। एक छात्र रजत सिंह ने अपनी डिग्री लेने से भी इनकार कर दिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, संक्षेप में जवाब चाहूँगा कि ये जो नए नए तरीके प्रदर्शन के प्रोटेस्ट के सामने आ रहे हैं कि शादियों में दूल्हा दुल्हन लेकर खड़े हुए हैं, गुलाब का फूल पुलिस को दिया जा रहा है, गोल्ड मेडल लेने से मना कर रहे हैं, डिग्री फाड़ रहे हैं, इन नए तरीके जो हैं इनका कितना असर है? एक पुराना गाना है सबसे मधुर वो गीत जो हम दर्द के सुर में गाते हैं जी, और अंग्रेजी में भी बड़ी मशहूर कविता है कि जो बुरा समय होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी जगती है। इस आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं वो दो वजह से जुड़े हैं। एक वो लोग जुड़े हैं जो डर रहे हैं कि मेरी नागरिकता ना चली जाए, एक वो लोग जुड़े हैं जो आइडियलिज्म से जुड़े हैं कि मेरा भारत सेक्युलर था उसको बचाया जाए। तो दोनों ही भावनाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि लोग दिल से पूरे जज्बात से इसमें जुड़ रहे हैं, और जब जज्बात से जुड़ते हैं तो नए नए आइडिये अपने आप जन्म लेते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आइडिया एक व्यक्ति का जन्म लेता है और फैलता इतनी तेज़ी से है कि वो हर तरफ नज़र आता है। जी बहुत शुक्रिया गुरुदीप सप्पल। हमने देखा है कि एक लड़की, अकेली लड़की बेंगलुरु में अकेले प्रदर्शन कर रही है, पुलिस वाली आती है, वो कहती है कि नहीं सेक्शन 144 है लेकिन मैं अकेली हूँ, चार नहीं हूँ। ये भी एक नया तरीका है। बेंगलुरु में ही जूते उतार के खाली कागज़ रखना, ये भी एक नया तरीका ईजाद हुआ है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। लोकपाल, जिसे अन्ना हजारे प्यार से जन लोकपाल कहा करते थे, याद है ना आपको, एक अन्ना हजारे भी हुआ करते थे, आजकल सुना है मौन व्रत पर हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कड़कती सर्दियों में कश्मीर के बड़े नेता नज़रबंदी में हैं, आराम से हैं। लेकिन एक RTI से हासिल जानकारी के मुताबिक फिलहाल लोकपाल का दफ्तर दिल्ली के अशोका होटल में चल रहा है, जिसका किराया हर महीने 50 लाख रुपए है। लोकपाल को अब तक कुल 1160 शिकायतें मिली हैं, लेकिन किसी भी मामले की जांच अब तक शुरू नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि लोकपाल में अब तक सरकार ने यही नोटिफाई नहीं किया है कि शिकायतों की जांच कैसे होगी और किसके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाएगी। हो सकता है सरकार को वक्त ना मिला हो, क्योंकि पिछले 5.5 साल से सरकार लगातार विकास के काम में लगी हुई है। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।